أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ये सूरह ज़ारियात है और ये मक्की सूरत है और 60 आयात और 3 रुकुओं पर मुश्तमिल है और मक्की सूरतों की एक बड़ी अहम खुसूसियत के मुख्तसर छोटी छोटी आयात होती हैं और मक्की सूरतों में तौहीद, रिसालत, क़ियामत और सवाल व जवाब, मैदान महशर, जन्नत जहन्नम, इस किस्म के ज़्यादातर आमाल का बयान होता है। बहुत बड़ा फ़र्क है मक्की सूरतों में और बदरी सूरतों के अहकाम में। देखने में तो आपको सारा एक ही तरह लगता है लेकिन अंदाज़े बयान का, मज़ामीन का और इसी तरह से अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत का हर एतबार से मक्की और मदनी सूरतों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये मक्की सूरत है, इसका एक ख़ास मौजू है। मौजू क्या है कि क़्यामत वाक़े होने वाली है। इन्नमा तुवादूना लसादिक, जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया क़्यामत का उसने बहरहाल आना ही है, किसी किस्म के शक और शुबहे की गुंजाइश ना हो। मेरे अजीज़ो, आप इस वक्त दिन में बैठे हुए हैं, सबको यकीन है कि शाम सूरज ग़ुरूब होना है, शाम रात आनी है। जिस तरह से सूरज के डूबने का यकीन है, रात के आने का यकीन है, अगले दिन सुबह सूरज के तुलू होने का यकीन है, कोई ये नहीं कह सकता कि पता नहीं शाम को सूरज डूबेगा या नहीं डूबेगा, कल सुबह तुलू होगा कि नहीं होगा, कोई ये नहीं कह सकता। जिस तरह से ये अमर यकीनी है, इसी तरह से क़्यामत का अमर भी यकीनी है कि क़्यामत के दिन की भी सुबह होगी। और मेरे अजीज़ों, अगर ज़रा सा इसमें तरद्दुद आ गया कि पता नहीं क़्यामत होगी या नहीं होगी, पता नहीं हिसाब किताब होगा या नहीं होगा, ये ईमान नहीं बचा, ईमान ख़त्म हो जाएगा। शक की वजह से ईमान ख़त्म हो जाता है। ईमान को यकीन चाहिए। बिल आखिरत हुम यूकिनून, पहला पारा जहाँ आता है ना, अल्लदीन युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखते हैं, युकीमून सला, नमाज कायम करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो हमने दिया उसको खर्च करते हैं, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, जो आपकी तरफ उतारा गया उस पर ईमान रखते हैं, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, जो आपके पहलों पर उतारा गया उस पर ईमान रखते हैं, और अगली बात क्या कही, वबिल आखिरत हुम यूकिनून, और आखरत पर क्या रखते हों, यकीन की बात है।
आखिरत पर यकीन हो। तो यकीन कामिल इस तरह से है कि जर्रा अदना सा तरद्दुद आ गया, साफ साफ सुथरा पानी आ रहा है, उस सुथरे और साफ पानी में ज़रा सा कोई मटियालापन गदलापन आ गया तो आपको महसूस होगा कि नहीं, यार ये पानी गड़बड़ है, ज़रा सी उसकी बू ख़राब हो गई, जायका ख़राब हो गया तो आप पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से अल्लाह को खालिस ईमान चाहिए बग़ैर शक और शुबे के। तो ऐसा ईमान आखरत पर रखना है, ऐसा ईमान अल्लाह की तकदीर पर, ऐसा ईमान आखरत पर, ऐसा ईमान मलाइका पर, ऐसा ईमान फरिश्तों पर, ऐसा ईमान किताबों पर, ऐसा ईमान नबियों पर होगा तो नजात हो सकेगी, शक शुबहे वाला ईमान नहीं। क्या आपने वो हदीस सुनी होगी कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना आएगा सुबह को मुसलमान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह काफिर हो जाएगा। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि सुबह को मोमिन होगा और दिन को किसी ऐसी मजलिस में बैठेगा कि वहाँ उसको कोई शक शुबहे में मुबतला कर देगा ईमान के मुतालिक आखरत के मुतालिक, तो वो काफिर हो जाएगा। और शाम को वो मोमिन होगा लेकिन रात को किसी ऐसी मजलिस में बैठा कि उसके जहन में शकूक शुबहात पैदा हो गए और सुबह वो कुफर की हालत में था। तो इसलिए ऐसी मजालिस में भी नहीं बैठना चाहिए कि जहां तुम्हारा ईमान शक में पड़ जाए, ईमान शुबे में पड़ जाए। ऐसी चीजों को देखना नहीं चाहिए, ऐसी चीजों को सुनना नहीं चाहिए कि जिनसे आपके ईमान में तरद्दुद पैदा हो जाए। तरद्दुद पैदा हुआ तो ईमान कहाँ बचेगा भाई। इसलिए अपने जान की, अपने ईमान की, अपने माल की हिफाजत कीजिए। जैसे जान की हिफाजत करते हो ना, उससे ज़्यादा ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। तो अब आप ज़रा देखिए कि क्या खूबसूरत दलाइल से अल्लाह पाक ने इस दावे को ज़िक्र फरमाया कि हशर नशर है, मौत के बाद उठाए जाएंगे, हिसाब व किताब होगा। ये इस सूरत का उनवान और मौजू है। और आगाज़ कैसे होता है? वद्दारियाति ज़र्वन, कसम है उन हवाओं की जो बखेरती हैं, ज़र्वन बिखेरना। मैं बताता हूँ, फल हामिलात विकरन, कसम है उन हवाओं की जो बोझ उठाती हैं। फल जारियात युसरन, कसम है उन हवाओं की जो आसानी से चलती हैं। फल मुकस्समात अमरन, कसम है उन हवाओं की जो अल्लाह के हुक्म से तकसीम करती है। ये चार कस्में खाएं। कसम है उन हवाओं की जो बिखेरती है। क्या चीज़ बिखेरती है? आप जानते हैं हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से बीज चीज़ों के, पौधों के बीज कायनात में बिखरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। और ये नबातात की कसरत की जो सबब है और वजह है, और ये हवाएं हैं। एक जगह से बीज मुंतकिल हो जाते हैं उड़कर हवाओं में दूसरी जगह, और वहाँ जाके गिरते हैं और वहाँ वो सब्ज़ा उगता है। ये हवाएं क्या करती हैं? बखेरती हैं चीज़ों को। इसी तरह से जिस परवरदिगार ने ये निज़ाम बनाया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को मुंतकिल करता है, बखेरता है। और फिर शायद आपको मालूम हो, जो लोग काश्तकारी से और ज़मीनों की और पौधों के सिलसिलों से आगाह और वाकिफ़ हैं, वो शायद जानते होंगे कि पौधों के अंदर भी, दरख्तों के अंदर भी नर मादा है। नर मादा हैं, तो जब नर मादा हैं तो जो नर खजूर है उसका फूल मादा खजूर के साथ लगता है, जाके मिलता है तो फल निकलता है। ये निज़ाम किसने किया, ये कौन बनाता है कि उस नर दरख्त से फल जो है वो छोटे छोटे फूल निकलते हैं, उठते हैं हवाओं के ज़रिए से और वो मादा खजूर तक पहुँचते हैं तो वहाँ फल आता है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा होता था, ताबीर नखला एक मशहूर अमल था। मदीना मुनव्वरा में चूँकि खेती बाड़ी थी, वहाँ क्या करते थे लोग, वहाँ ये सिलसिला था कि नर खजूर का की जो है ना कुछ शाख लेकर मादा खजूर के साथ उसके अंदर डालते थे, पेमंदकारी करते थे तो फल आता था। एक साल आप अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या करते हो, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये हम इस तरह से करते हैं। आपने फरमाया इसकी क्या ज़रूरत है, नहीं किया, जब नहीं किया तो फल नहीं हुआ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक इंसान हूँ और मैं तुम्हारे दुनियावी मामलात को इतना नहीं जानता, दुनियावी मामलात को तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो।
انتم اعلم منی بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا کر لیا کرو، آئندہ کر لیا کرو۔ میں شریعت بتانے آیا ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ شریعت بتانا۔ ہاں، یہ پھل پیدا ہوگا، اس کو کیسے بیچنا ہے تو حلال ہے، کیسے بیچنا ہے تو حرام ہے، کیا کیا کر، یہ میرے ذمہ یہ احکام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد تو یہ ہے تعبیر نخلہ۔ تو اس سے کیا ہوا؟ پھل کی فراوانی ہوئی۔ تو اس طرح سے ہوائیں پھلوں کو بکھیرتی ہیں، ہوائیں پھولوں کو بکھیرتی ہیں، اور ہوائیں جو ہے وہ ذرات کو دائیں بائیں منتقل کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہوائیں سمندروں سے بخارات کو اٹھا کر بکھیرتی ہیں، سمندروں سے پانی اٹھاتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں۔ یہ کیا بوجھ اٹھاتی ہیں؟ تو صاف بات ہے کہ وہ ہوائیں جو سمندروں سے بادلوں کے بوجھوں کو منوں ٹنوں اور پتہ نہیں کتنی مقدار میں وہ پانی فضاؤں میں جمع ہوتا ہے، آپ روزانہ دیکھتے ہو، وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ آخر وہ کتنا زیادہ پانی ہوتا ہے جو کہاں زمین آسمان کے بیچ میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ، وہ باریک قطرہ جو ہمیں نظر نہیں آتا اپنی آنکھوں سے، اس قطرے کو اللہ نے کس طرح سے جمع کیا اور جوڑا اور کتنا وہ بادل بنا۔ اللہ اکبر، کسفن، تہ بتہ یہ بادل بنتے ہیں۔ پھر یوس جی صحابن، اللہ ہی اس بادل کو ہنکاتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بادل جب بوجل ہو جاتا ہے، خوب بوجل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے حکم سے یہ برستا ہے۔ یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، پھر ایسے کیوں نہیں کیا کہ جناب برسنا ہی ہے، ایک دم سے اللہ پانی کو نیچے چھوڑ دیتا؟ ایک ایک قطرہ کیوں آیا؟ سبحان اللہ، انا صببنا الماء صبا، ہم نے خاص طریقے سے آسمان سے پانی کو برسایا ہے، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے برسایا ہے۔ اگر پانی کی مسلسل دہار نیچے آتی تو وہ تو ایک دم سے تمہارے گھروں کو تباہ کر دیتا، فصلیں تباہ ہو جاتی۔ ایک ایک دہار پانی کی اترتی ہے، ایک ایک قطرہ، اور وہ پھر زمین کے اندر جاتا ہے اور اس سے نباتات اگتے ہیں۔ یہ جس رب نے یہ نظام بنایا ہے، کیا وہ رب مرنے کے بعد تمہیں اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ یہ یوں سمجھا ہے۔ فل جاریات یسرا، اور پھر تم نے دیکھا ہے کہ جناب ہوائیں کتنے آسانی سے اس بڑے بوجل بادل کو، منوں ٹنوں کے حساب سے بادل کو لے کے ہانک رہی ہیں۔ اور جناب آج پورے شہر کراچی میں کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، لیکن شام کو بالکل موسم صاف ہوا، پتہ نہیں چلا بادل کہیں اور چلا گیا، کہیں اور جا کے برسا، سرحد پار کر کے دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کو کوئی سرحد کی پابندی تو نہیں ہے نا کہ بھائی یہاں سے آگے نہیں جانا ہے، یہاں سے آگے انڈیا شروع ہو رہے ہیں، تو اللہ کا نظام اٹھایا اللہ نے یہاں سے، برسایا جا کر کہاں، کہا یہ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے ہو؟ بات سمجھے بھائی، یہ ہے فل جاریات یسرا، آسانی سے وہ ہواؤں، ان بادلوں کو منتقل کرنے والی، ول جاریات یسرا، وہ چلنے والی ہوائیں جو آسانی سے ہیں۔ اور پھر فل مقسمات امرا، جب گھٹا فضا میں بلند ہوئی اور کالے بادل ہوئے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی بارش ہو جائے گی، لیکن ان بادلوں کے ٹکڑے ہو گئے، کئی ٹکڑے ہو گئے، اور پھر وہ ٹکڑے جہاں اللہ نے چاہا ایک ایک ٹکڑا منتقل کر دیا، ایک وہاں برسا، ایک وہاں برسا، اور جس جگہ سے اٹھایا، جس شہر کی فضا ساری کالی تھی، وہاں ایک بوند اور قطرہ بھی نہیں گرا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا کبھی بارش کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ لیتے کہ جو پاک پروردگار اس طرح سے قطرات کو جمع کرتا ہے اور بارش برساتا ہے، وہ پاک پروردگار مرنے کے بعد ہمارے ذرات کو بھی جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بھائی یہ سمجھا ہے، فل مقسمات امران، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو روزیوں کو تقسیم کرتی ہیں، بانٹ کے لے جاتی ہیں، یعنی بارشوں کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہ ہے سورت کا مرکزی مضمون اور دعویٰ، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، قسم ہے، قسم ہے، وہ واقعہ برحق ہے۔
इन्नमा तो आदूना, जिस चीज का यानी क़यामत का जिसका तुमसे वादा किया गया लसादिक वो सच्चा है, वह इन्नमा तो व इन दीन लवाक़िअ, और ख़बरदार समझ लो अद्दीन फैसले का दिन लवाक़िअ वाक़ होने वाला है, फैसले का दिन वाक़ होने वाला है, हिसाब का दिन आने वाला है। अल्लाह अकबर। ये चार कसमें और फिर एक और कसम आई, फिर आई कसम वस्समा ज़ातिल हुबक, और कसम है आसमान की ज़ातिल हुबक जो कि जालीदार है, जालीदार। ये सितारों का जाल बिछा हुआ है, रात को देखो तो सही, रात को देखो तो सही, किसी जंगल बयाबान में जाके, यहाँ शहर में तो तुम्हें सितारे कम नजर आएंगे, किसी बयाबान में जाके तो देखो सितारों का जाल बिछा हुआ है, एक एक सितारा सैयारा अल्लाह की कुदरत में झकड़ा हुआ है, हर हर अपनी कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर एक अपने अपने मदार में मखसूस वक्त के मुताबिक चक्कर काट रहा है, और उन चक्कर काटने में कोई टकराव कोई तसादम नहीं है। हमारे रोड पर जो है 100 गाड़ियां आ जाती हैं तो तसादम और टकराव हो जाता है, इसलिए कि ये इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम ऐसा है कि कोई तसादम कोई टकराव नहीं है। कोई सितारा अपनी जगह जब छोड़ता है, है ये देखते नहीं हो अल्लाह की कुदरत है, एक मशरक के किनारे से एक सितारा अपनी जगह छोड़कर मगरिब को के तक भागता है, वो शिहाब साकिब जो शैतान को जाके पड़ता है, ये इस स्पीड से भागता है, रास्ते में किसी सितारे से टकराव क्यों नहीं हुआ इसका, सोचते नहीं हो, अपना मदार इसने छोड़ा ना, अपनी जगह छोड़कर गया है, वहां गया और वहां जाके उस शैतान को इसने जला के राख कर दिया, लेकिन टकराव क्यों नहीं हुआ। ये कोई जात तो है जो इनकी निगरानी कर रही है, ये जमीन आसमान के बीच में ये जो मुअल्लक निज़ाम है, है? अल्लाह अकबर। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाई वल अर्द वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्री, और ये सारे के सारे सितारे अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, और ये आसमान जमीन के बीच में बादल ये सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, इनको देख कर तुम अपने रब को नहीं पहचानते। अल्लाह अकबर। वस्समा ज़ातिल हुबक, कसम है उस आसमान की जो जालीदार है, इन्नकुम लफी कौल मुख्तलिफ, बड़े अफसोस की बात है, इन्नकुम तुम लोग लफी कौल मुख्तलिफ, मुख्तलिफ कौल में हो, मुख्तलिफ बातों में हो, कुछ कहते हो क़यामत आएगी, कुछ कहते हो नहीं आएगी, कुछ कहते हो ऐसे ही है, कुछ कहते हो मरने के बाद कैसे उठेगा, कुछ कहते हो जर्रा जर्रा होने के बाद कैसे उठेगा, जिस पाक परवरदिगार ने बारिशों के जर्रात को जमा करके बरसाया, एक जगह मिला दिया, क्या वो अल्लाह कादिर नहीं है। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, जो हमारे हमारा जो है वो हमारे खेत के अंदर अपनी जमीन के अंदर जो जो बारिश बरसी है, ये कतरे कहां से आए हैं, किस किस जगह से अल्लाह ने इनको उठा के जमा करके यहां लाया, और फिर जो तुम्हारे पास फसल आती है जो हम खाते हैं जो रोजाना, ये अल्लाह की कुदरत के मुशाहदे नहीं, ये किस जगह पर कौन सा दाना किस खेत में उगा कहां पैदा हुआ कौन जानता है, ये अल्लाह तो जानता है, अल्लाह का निजाम है। यो फकु अनहु मन उफिक, अल्फाज पर गौर करो, शिद्दत है इन अल्फाज की, और एक आखिरी लफ्ज जो है ना इसका सजा, इबारत का सजा देखिए, फवासिल देखिए, इबारत के आखिरी अल्फाज की शिद्दत देखिए, युफ़कु अन्हु मन उफिक, फरमाया युफ़कु फेर दिया जाता है, अन्हु इस हक बात से, मन उफिक वो शख्स जो झूठ बोलता है, जो झूठा होता है, उसको तमाम नेकियों से पीछे कर दिया जाता है, उसके झूठ उसके फ्राड उसके धोखे की वजह से उसको नेकियों से पीछे कर दिया जाता है। कुतिल अल खर्रासून, मारे गए महरूम हो गए तबाह हो गए, कुतिला कुतिला कत्ल से कत्ल कर दिए गए मारे गए तबाह हो गए, अल खर्रासून झूठ गढ़ने वाले, दीन के मुतालिक झूठी बातें घड़ने वाले तबाह हो गए मारे गए। अल्लदीना हुम फी गमरतिन साहून, वो लोग जो गफलत में पड़े हुए हैं, गमरतिन अल्लाह अकबर, जो बहुत बड़ी जिहालत में है, गमरा
जिहालत, गफलत, साहून भूले हुए हैं आखरत को, साहून भूले हुए हैं। यसअलून अय्यान यौमुद्दीन, और ये पूछते हैं इस्तेहजान कि कब आएगा फैसले का दिन, कब आएगा फैसले का दिन। यौमहुम अलन्नार युफ्तनून, वो दिन है जिस दिन इनको आग में जलाया जाएगा और कहा जाएगा ज़ूकू, चखो, भुगतो फितनतकुम, अपने इस अज़ाब को। हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्तअजिलून, ये वो अज़ाब है जिसको तुम दुनिया में तलब किया करते थे। मेरे अजीज़ों, वहाँ से कौन बचेगा, उस अज़ाब से कौन बचेगा और कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? कोई बचने की सूरत नहीं है। अल्लाह ने ये वक्त दिया है दुनिया में मुझे भी और आपको भी, माओ बहनों को भी, जवानों को भी, ये वक्त दिया है उस अज़ाब से बचने के लिए, ये वक्त दिया है, ये मोहलत दी है भाई। अल्लाह करीम है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह करीम है, अल्लाह मेहरबान है, लिख लो, अल्लाह करीम है, अल्लाह मेहरबान है। वो मोहलत देता रहता है, देता रहता है, देता, वो ढील देता रहता है। वो ढील देना उसकी रजामंदी की निशानी मेरे अजीज़ नहीं है। मैं नाफरमानी करूँ, नाफरमानी करूँ, नाफरमानी करूँ, फिर भी मुझे न पकड़े तो मैं समझूँ कि मैं ठीक चल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मेरा धोखा है, ये मेरा धोखा है, ये उसकी ढील है, ये उसकी ढील है, ये उसकी मोहलत है, उसकी मोहलत है। मुझे रुजू हो जाना चाहिए, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। एक दिन फिर जब अजाब आएगा, पकड़ा जाऊंगा, फिर अल्लाह पाक मेरी और आप हम सब की हिफाजत फरमाए। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व उयून, और ये कुरान का अंदाज है, जब जहन्नम का तज़किरा आता है तो जन्नत का जिक्र भी करता है, ताकि आप जन्नत को भी समझ लो, ताकि अल्लाह की मेहरबानियों को भी आप कुछ ना कुछ समझ लो। अल्लाहु अकबर। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व उयून, बेशक मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, फी जन्नति व उयून, वो जन्नत और बागात में होंगे। उयून, बागात में, ये मुत्तकी लोग। अल्लाह इनको दुनिया में भी इज्जतें देता है, आखरत में भी अल्लाह देगा। आखिरी नमा आता हम रब, हम जो कुछ उनको रब ने दिया होगा उसको लेकर खुश हो रहे होंगे। आखिरी ना, ले रहे होंगे। माँ आता हम रब, हम जो रब ने उनको दिया है। क्यों ये सबब, ये क्यों मिला उनको? इन नहुम कानू कबल दालिका मुहसिनीन, इसलिए कि दुनिया में ये नेक आमाल किया करते थे, आज उन्हें नेक आमाल का बदला मिल रहा है। अल्लाहु अकबर। अगली आयत बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है। अल्लाह करे मेरी आपकी हम सब की ज़िंदगी बदल जाए इस आयत को सुनकर। अगली जो आयत आ रही है, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, क्या फरमाया? रात को बहुत बहुत कम, बहुत थोड़ा सोते हैं। और कुरान का अंदाज देखो, फ़राइज़ तो पूरे करते ही करते हैं, फ़राइज़ को पूरा करते ही करते हैं, लेकिन फ़राइज़ के, बेटा इसको इनके इधर कर दो, पीछे सारे नजर ही नहीं आ रहे थे, इधर कर दो, इसको भी इधर कर दो, यहाँ ले आओ, ऐसे इसको भी इधर कर दो, अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद। तो क्या कहा? कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, वो रात को बहुत कम सोने वाले हैं। मुत्तकी, रात को बहुत कम सोने वाले। ये तर्जमा इसका हक नहीं अदा कर रहा, ये सहाबा की रातों को बयान किया जा रहा है, सहाबा की रातों को, कि उनकी रातें कैसी थी। अब मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए, लेकिन कुछ गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप किसी के बारे में कहेंगे ये रात को बहुत थोड़ा सोता है, आप उसके थोड़ा सोने को बयान करने के लिए क्या लफ्ज़ कहेंगे? भाई ये रात को तो बहुत कम, ये समझो सोता ही नहीं है, और क्या कहेंगे आप? किसी की रात की कमी को बयान करने के लिए क्या कहेंगे आप? अब देखो कुरान ने क्या लफ्ज़ कहा, कानू, काना ये लफ्ज़ है ना, ये नुकसान पर दलालत करता है। कलील, कलील कमी को कहते हैं, नुकसान पर दलालत करता है। दो, कलीलन, ये जो इसकी ऊपर दो ज़बरें हैं ये भी नुकसान पर दलालत करती हैं। तीन, मिन, ये भी नुकसान पर दलालत करता है। चार,
माँ नुकसान पर दलालत करता है। पांच, यह जाऊन हजा, ये नहीं फरमाया यह नामून, नींद को नौम कहते हैं। क्या कहते हैं? नौम। लेकिन यह नौम का लफ्ज नहीं कहा, यह जाऊन कहा। हजा कहते हैं कच्ची नींद को। किसको कहते हैं? कच्ची नींद, वो भी इतनी थोड़ी, इतनी थोड़ी कि उसके साथ भी पांच लफ्ज ऐसे जिक्र किए जो उसकी कमी पर दलालत करते हैं। तो वो सहाबा फिर क्या सोते होंगे, क्या करते हैं रात को? कारोबार करते हैं। क्या करते हैं रात को? इंटरनेट तो नहीं था उस जमाने में। क्या करते हैं रात को? गपशप लगाते हैं? नहीं, अल्लाह की बंदगी करते हैं रात को। फराइज पूरे करने के बाद नवाफिल पर इतना वक्त देते हैं, इतना वक्त देते हैं, इतना वक्त देते हैं कि रात बहुत थोड़ा सोने का उनको मौका मिलता है। और अगली बात, इसके बाद वाली बात सुनिएगा, वबिल असहार हम यस्तगफिरून, और सुबह को वो इस्तगफार करते हैं। जब सुबह सहरी का वक्त होता है ना, वो तौबा करते हैं, या अल्लाह तेरी इबादत का हक नहीं अदा हुआ। हम तो दो चार रकात फर्ज पढ़ के हम कहते हैं मैं नमाज भी पढ़ता हूं, अरे फिर भी मुसीबतें आती हैं। मैं कुरान की तिलावत भी करता हूं, फिर भी ये हालात हैं। मेरे अजीजो, गलत फहमी में हम गलत फहमी में मुबतला हैं। हमें अपनी औकात नहीं पता। वो एक बादशाह था, तो उस बादशाह ने एक मरतबा हज्जाम को बुलाया बाल काटने के लिए। ठीक है जी, हज्जाम साहब ने उसके बाल काटे, और बादशाह की एक कीमती एक तजौरी थी, एक बॉक्स था जिसके अंदर हीरे जवाहरात थे, तो और कोई शय मिली नहीं, उसी पर बिठाया और बादशाह सलामत बैठ गए और बाल काटने लगे। तो जब बाल काट के फारिग हुआ तो उसने कहा कि भाई, बादशाह ने कहा कि कुछ क्या मांगो, जो मांगोगे तुझे दूंगा। तो इसने कहा, बादशाह सलामत आपकी बेटी जवान हो गई है, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दे। बादशाह के तो हवास खता हो गई, ये क्या कह रहा है। लेकिन चूंकि कहा था कि जो मांगोगे तो दूंगा, तो अब बादशाह लोग तो बादशाह होते थे, वो फिरते नहीं थे अपनी जबान से जल्दी। तो खैर, बादशाह ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। वो चला गया। बादशाह ने एक अपने वजीर से पूछा कि आज बड़ा अजीब सीन हुआ है। क्या? वो नाई को मैंने बुलाया था बाल काटने के लिए, और मैंने उससे कहा मांगो क्या मांगते हो, तो उसने ये मुतालबा कर दिया, क्या करूं। तो कहा कि किस तरह से, कहां कैसे बाल काटे उसने? तो कहा बाल तो मैं वहां था, बैठा हुआ था, जमीन पर बैठा हुआ था, और वो पीछे तिजोरी जो थी उस पर बैठा हुआ था। इस तरह से उसने, तो कहा चल अब इंतजार करें, जब दोबारा बाल बड़े हो जाए ना तो फिर मुझे बताइएगा। जब बाल बादशाह के फिर से बड़े हो गए, फिर कटवाने के लिए नाई को आज बुलाना था, वजीर से मशवरा किया। वजीर ने कहा बादशाह सलामत आज आप बैठिएगा कुर्सी पर और उसकी कहिएगा खड़े होके बाल काटे, उसको कहिएगा खड़े होके बाल काटे। तो चुनाचे ऐसा ही हुआ, बाल काटे, खड़े होके बाल काटे। तो उसके बाद जो है बादशाह ने, वजीर ने कहा था फिर आप यही सवाल पूछिएगा कि क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। तो आज बाल काटने के बाद फिर से बादशाह ने पूछा कि जनाब क्या चाहते हो, क्या चीज तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा। तो आज उस नाई और हज्जाम ने कहा बादशाह सलामत अल्लाह के वास्ते बाल काटने का हक नहीं अदा हुआ, मुझे माफ कर दे। यही माफ कर दे, यही बड़ी बात हो जाएगी। नहीं समझे बात? तो वजीर को बादशाह ने कहा कि आज तो ये किया उसने। कहा बादशाह सलामत उसको आपने अपनी औकात से ज्यादा अहमियत दे दी थी ना, आप नीचे बैठे हुए थे और वो तिजोरी पर बैठा हुआ था, तो वो असल में जो नीचे तिजोरी थी ना, ये उसका कमाल था सारा, ये उसका कमाल था। आज वो अपनी हैसियत पर आया, बाल काटने का तरीका जो नाई का है कि जनाब आदमी कुर्सी पर बैठे और वो खड़ा होके काटे, आज वो अपनी हैसियत पर आया, वो अपनी हैसियत को समझा, आपकी हैसियत को समझा कि आप बादशाह हैं और मैं एक आम आदमी हूं। बात समझे नहीं समझे?
तो बात यह है कि इंसान अपने मकाम को समझे कि अल्लाह के सामने मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या हैसियत है अल्लाह के सामने। अल्लाह तो अल्लाह है, दो चार नमाजें पढ़ के मैं खुश हो जाता हूँ कि जनाब मैं बड़ा बुजुर्ग हो गया। सहाबा की जिंदगी तो देखो, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजउन, रात को बहुत कम सोते थे, बहुत थोड़ा सोते थे। वबिल असहार हम यस्तगफिरून, और सुबह को इस्तिगफार करके कहते थे या अल्लाह तेरी इबादत का हक नहीं अदा हुआ। सुभान अल्लाह, ये हर सहाबी का अमल था, हर सहाबी का अमल था रात की तहज्जुद और सुबह इस्तिगफार करना, हर सहाबी का अमल था। आज हमारा अमल है? आज मेरे जवान, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे जवान, रात को तुम दो दो बजे तक लगे रहते हो। क्या दो बजे जब तुम सोते हो भाई, तुम एक बजे मेरा बेटा जब सोते हो तो तुम बावजू हो जाओ, दो रकात नमाज नफिल नमाज तोबा पढ़ के थोड़ा सा अल्लाह से माफ़ी मांग कर फिर सो जाओ। जितना एक घंटा दो घंटे आपने लगवियात पर लगाए, शायद काम पर लगाए होंगे, अब थोड़ा सा टाइम रब को दे दो, अपने रब को दे दो। ये जो तन्हाई की आपकी मुलाकात आपके अल्लाह के साथ है ना, ये आपके काम बनाएगी। ये मुलाकात, ये मुलाकात, मैं आपको कोई कहे, बादशाह कहे आपको कोई, गवर्नर, यार मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ आज, ठीक है जी, तन्हाई तन्हाई में आप टाइम देंगे? देंगे। ये तन्हाई की नमाज, हर आदमी अल्लाह अल्लाह पाक हर आदमी से तन्हाई में मिलना चाहता है कि मेरा बंदा रोज़ाना मुझसे तन्हाई में मिले कि मैं हूँ और मेरा बंदा हो, कोई और ना हो। वो दिन की तो बाजमात नमाज है, वो तो इज्तमाही नमाज है, ये रात की नमाज इनफरादी नमाज है, ये तहज्जुद की नमाज, ये अल्लाह से मुलाकात है, इनफरादी मुलाकात है, ये खुसूसी वक्त दिया गया है आपको, इस वक्त से क्यों नहीं इस्तिफादा करते हो? फिर रात को अल्लाह पाक की तरफ से आवाजें आए, हल मिन साइल, कोई सवाली है, हल मिन मुस्तगफिर, कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला है, हल मिन ताएब, कोई तोबा करने वाला है। एक एक बात का सवाल रात को अल्लाह की तरफ से आता है और हम फजूलियात में लगे हुए हों। तो इसलिए तय करो, आज आज के बाद से हमने इस सुन्नत को जिंदा करना है इंशाअल्लाह, ठीक है ना? ठीक है, रात को अब आखिरी हिस्से में उठ सकते हो जल्दी सो जाओ, आखिरी हिस्से में उठ जाओ। ये नहीं कर सकते हो, सोते वक्त जब आपके सोने का टाइम है उसी वक्त आप दो रकात चार रकात नफिल अदा करके पाँच छः मिनट दस मिनट अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, देखो कितना लुत्फ आएगा आपको। मोबाइल सब चीज़ों को बंद करके अलग रख के बस अब आप और आपका अल्लाह, देखो क्या मज़ा आएगा। तन्हाई में अलग कमरे में बैठकर, अलग कमरा मुयस्सर नहीं है, चेहरे के ऊपर चादर डाल दो, बस कोई भी आपको ना देखे, आपके रोने को कोई ना देखे, आप रोने की शक्ल बना लो। अल्लाह को अल्लाह की कसम ये शक्ल भी पसंद है, आप रोने की शक्ल बना लेंगे। माँ के सामने आप रोएंगे और आप शक्ल बनाएंगे तो माँ क्या कहेंगे, ऐसे नाटक कर रहे, रो थोड़ी रहा है कि नहीं? बाप कह गए ऐसे ही कर रहा है, रो नहीं रहा है, रोना वोना नहीं आ रहा, देखो आंसू तो एक भी नहीं है इसका। अल्लाह की कसम, अल्लाह के सामने तुम शक्ल भी बना लोगे ना, अल्लाह को वो भी पसंद है, अल्लाह को वो भी पसंद है। अल्लाह ये नहीं कहेगा ये रोने की शक्ल, मुझे रोना थोड़ा ही है, रोने की शक्ल नहीं है, हैं ये नकल कर रहे हो, नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इसलिए हदीस में आया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि तुम रोया करो और रोना ना आए तो रोने की शक्ल बना लिया करो, अल्लाह को ये भी अच्छा लगता है, अल्लाह को ये भी अच्छा लगता है। इसलिए कि रोना नेक लोगों की निशानी है अल्लाह के सामने, तो आपने नेक आदमी की शक्ल बना ली ना, अल्लाह को वो भी पसंद है, ऐसा करीम रब है भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अब आइए फिर, तो एक अमल तो यह है कि रात को नफिल अदा करते हैं, दूसरा अमल यह है कि वह बिल असहार हम यस्तगफिरून, और सुबह को क्या करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, और वफी अमवालिहिम हक्कुन, और अपने माल में हक रखते हैं, जक़ात के अलावा अपने माल को खर्च करते हैं, लिस्साइल, साइल सवाली को देते हैं, वल महरूम, और जो हाजतमंद तो है मगर सवाली नहीं है। महरूम किसको कहते हैं, जो हाजतमंद तो है लेकिन सवाल नहीं करता, इज्जत नफ्स बेचता नहीं है किसी के सामने। तलाश करो ना खानदान में ऐसे को, रमजान आ रहा है, तलाश करो ना ऐसों को, ढूंढो ऐसे लोगों को।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया एक साहब का, कहा आज 18वां रोज़ा है। मैं बहुत अच्छी तरह से उसको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। आज 18वां रोज़ा है, बाप नहीं था, मैं और मेरी माँ और मेरी बहनों ने कोई फल खजूर कोई शय देखी तक नहीं है आज। ऐसे लोग भी इज्जत नफ्स है, सवाल नहीं करते। मैंने कहा बेटा कैसे करते हो, क्या करते हो, इफ्तार कैसे करते हो? पानी से इफ्तार होता है, उसके बाद जो खाना मिल जाता है, कभी रोटी होती है, कभी सालन नहीं होता, कभी सालन होता है, रोटी जो कुछ मिल जाता है वो खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है, इस हाल में भी हम अल्लाह पर खुश हैं। तो ऐसे अफराद को तलाश करो ना, कितना अजर तुम्हें मिलेगा। तुम चुपके से किसी के घर में डाल कर आ जाओ, पता भी ना चले उसको कि किसने दिया है, किसने दिया है। और उस जिसके लिए दिया है वो जानता है और आप जानते हैं, बस यही तलाश करो। ऐसे महरूम तलाश करो, ऐसे खानदान में तुम्हें मिलेंगे, माशरे में मिलेंगे, महल्ले में तुम्हें मिलेंगे। ढूंढो थोड़ी सी, इसलिए कि अपनी आखिरत बनाने के लिए हम उस पर एहसान नहीं कर रहे। मैं तुम्हारे घर में राशन लेके आया हूं, मैंने एहसान किया? मैंने क्या एहसान किया भाई, मुझे पैसा दिया अल्लाह ने, अल्लाह ने नेकी का ख्याल डाला, मेरा क्या एहसान है इस पर? एहसान उसका है जिसने कबूल किया भाई, ये है बात। वफी अमवालिहिम हक्कुन, वो अपने मालों में हक रखते हैं साइलीन का और महरूम का। लिहाजा कोशिश करो, रमजान में मुआसात का महीना है, ये रमज़ान महीना है गमखारी का। हैं माएँ बहनें मेरी कहती हैं उनकी ज़बानों पर, ये रमज़ान में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, तो लिहाजा खूब खाओ। ज़ोर से पकाना शुरू करती हैं, जनाब कोफ्ते भी तलो, पकोड़े भी तलो, समोसे भी तलो, ये भी तलो, ये भी तलो, खाओ खाओ खाओ, मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया गया। और मेरी माँ बहन, मोमिन का रिज़्क इसलिए बढ़ा दिया गया, पता है क्यों बढ़ा दिया गया? इसलिए बढ़ा दिया गया ताकि जो 8 घंटे से आपको रिज्क हासिल होता था ना, अब वो 4 घंटे मेहनत करके आपको हासिल हो जाएगा, दुगना है। दुकानदार, तू 8 घंटे दुकान खोलता था ना, अब 4 घंटे खोलेगा तो अल्लाह तेरा रिज्क पूरा कर देगा, बाकी 4 घंटे बचा अल्लाह की इबादत में लगा, इसलिए रिज्क बढ़ाया गया है, इसलिए बढ़ाया गया है। तू समझती है कि पकोड़े भी तलूंगी, समोसे भी तलूंगी और कोफ्ते भी तलूंगी और पता नहीं क्या कुछ बनाना है सारा। अरे माओ बहनों, इसी में सारा वक्त सर्फ होगा क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें बनती थी? ये क्या कर दिया है हमने? हमने इबादात को भी अपनी ख्वाहिशात के साथ मिला दिया है, इबादतें भी, इफ्तार भी, सहर भी, ख्वाहिशात। इफ्तार सहर तो दुआ के लिए था, वो रमज़ान ट्रांसमिशन वो एक अलग शह शुरू हो गई, वो एक अलग बला शुरू हो गई ताकि लोग दुआ ना मांगें। इफ्तार सहर तो दुआ थी भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बच्ची, सब इफ्तार लगा दो, दस्तरखान बिछा दो और आधा घंटा पहले आ जाओ, कबूलियत का वक्त है। फरिश्ते उतर आए हैं आपकी दुआओं पर आमीन कहने के लिए, अल्लाह की कसम फरिश्ते उतर आए हैं आपकी दुआओं पर आमीन कहने के लिए। आप दुआएं करें, आप किचन में खड़े खड़े अजान हुई वहाँ ही तूने मुँह में खजूर डाली, ये क्या फ़ायदा रोज़े का भाई? रोज़ा तो तूने रखा है लेकिन ख्वाहिशात फिर पूरी हो रही हैं। जिस नफ्स को सुबह से लेकर शाम तक भूखा रखा था, अब शाम को उसको इतना खिलाया, इतना खिलाया, वो तो जालिम नफ्स और जरी होगा भाई। उसकी मिसाल उस कुत्ते की सी है, उस जानवर की सी है जिसको सुबह से लेकर शाम तक बांध दो और शाम को उसको वाफिर खिलाओ, वो बांधने का फ़ायदा क्या हुआ? मकसूद ही रोज़े से क्या है? नफ्स की ताकत को कमज़ोर करना, और ये कमज़ोर जब है इसलिए रोज़ा रख कर इसको कम खिलाना है, कम खिलाना है, कम खिलाना है, ज़रूरत का खिलाना है इसको, ताकि गुनाहों की ताकत और जज्बात कम हो जाएं, नेकी की ताकत गालिब आ जाए। अब तुमने इतना खिलाना है इसको कि जितने से तुम जी सको, जी सको। ये है रोज़े का हदफ और मकसद, अल्लाहु अकबर। इसलिए इसका ख्याल करें, तो जो अल्लाह ने फरावानी दी है तलाश करो, इफ्तार कराओ। घर के 10 आदमी हैं मेरे अजीजो, 10 आदमी 10 के 10 रोज़ा इफ्तार कराएं लोगों को, अपनी तरफ से भेजे दाएं बाएं, हैं बेटे से भी सदका कराओ, बेटी से भी सदका कराओ, बच्चे से भी सदका कराओ। ये 10 डब्बे खजूरों के मैं लेके आया हूँ बेटा, ये एक अब्बा की तरफ से, एक अम्मा की तरफ से, ये बेटे की तरफ से, सब की तरफ से यूँ करो ताकि पता तो चले
मुसलमानों का इस्लामी महीना है, गमखारी का महीना है, दूसरों की खैर खबर लेने का महीना है। ये इसलिए भूखा रखा गया है ताकि तुम्हें दूसरों की भूख का एहसास हो, दूसरों की भूख का एहसास हो। वफिल अर्द आयातुन लिलमूकिनीन, और जमीन में कितनी निशानियां नहीं देखते हो, अल्लाह की कुदरत की कितनी निशानियां नहीं देखते हो, अल्लाह की कुदरत की निशानियां आयातुन कई निशानियां हैं, लिलमूकिनीन अल यकीन रखने वालों के लिए कई निशानियां हैं। अरे भाई जमीन में क्या देखते हो, वफी अनफुसिकुम, अपनी जानों में तो तुम देखो अल्लाह की कुदरत की तुम्हें कितनी निशानियां नजर आएंगी। ये आगे देखो, डांट देखो, अफला तुबसिरून, इन अपने जिस्म में भी निशानियों को नहीं देखते हो। ये तुम्हें जो आंख अल्लाह ने दी है, कैसी आंख दी है अल्लाह पाक ने, ये कैसे रंगों का भी फर्क करती है, देखती भी है, रंगों का भी फर्क करती है, कई किस्मों के रंगों का फर्क करती है, कान में सुनवाई आवाज सुनता है और सुनकर आवाजों में ये फर्क करता है, ये मेरी माँ की आवाज है, ये बीवी की आवाज है, ये बेटी की आवाज है, ये फलां की आवाज है, ये फलां, ये क्या निजाम है भाई, ये अल्लाह की कुदरत नहीं देखते हो। उस दिन मैं कुरंगी एक जगह पर गया बयान के लिए, वहां एक जमात आई थी, बांग्लादेश जा रही थी, और उस जमात में गूंगे थे, गूंगे तो गूंगे बहरे भी होते हैं, तो ये तो मैंने गूंगे बहरे आज से पहले भी देखे, गूंगे बहरे इशारों से बात करते हैं, लेकिन उस जमात में एक गूंगा भी था, बहरा भी था, नबीना भी था। अब सोचो तो सही, गूंगा भी है, बहरा भी है, नबीना भी है। देखने वाले जो गूंगे होते हैं वो इशारों से एक दूसरे को समझाते हैं ना, अपनी बात इशारों से समझाते हैं। अब ये तो नबीना, वो इशारे तो कर रहा है, अब उसको बात कैसी समझाएं, उसको तो नजर ही नहीं आता, उसको क्या इशारा करें। जो उसके माथे पर लिखते थे साथी, जो बात उस कोई खास इशारे थे, खास कोड थे, वो लिखते थे, वो समझ जाता था। अल्लाह का क्या निजाम है, उसको देखकर फिर पता चलता है, या अल्लाह आंख की क्या कीमत है, या अल्लाह जबान की क्या कीमत है, या अल्लाह कान की क्या कीमत है, समझे भाई। तो अब वो मेरा बयान सुना, मेरे बयान की तर्जमानी उसको पूरी की पूरी साथी ने उसे तर्जमानी की है, ऐसे ऐसे तेज तेज लिखकर माथे में, ये पता नहीं क्या इशारे थे वो कर रहा था, लगा हुआ उसके साथ तर्जमानी कर रहे। जब तर्जमान बाद में फारिग हुआ तो फिर मैं उसके पास गया मिलने के लिए, फिर उसने तर्जमान ने उसको पता नहीं क्या मेरा इशारा दिया कि मौल साहब जिसने बयान किया वो आया है, उसने मुझे गले लगा लिया और फिर उसने कुछ कहा, मैंने कहा क्या कह रहा है, कह रहा है बहुत शानदार बयान किया, बहुत शानदार बयान किया, ईमान ताज़ा हो गया उनके, इसको क्या समझ में आया। उसने कहा इसको सारा समझ में आया, अगर आप कहें तो ये सारा बयान सुना सकते हैं आपको, ये सारा सुना सकते हैं। कहने लगे साथी दो दिन पहले इसने बयान किया वही इशारों में, और तर्जमान था तो इशारों में इसने ऐसा बयान किया कि सारे मजमे को इसने रुला दिया। या अल्लाह जिनको तूने आंखें दी हैं वो आंखों से तेरे दीन को नहीं देखते, किताब को नहीं देखते, या अल्लाह जिनको तूने जबान दी है वो इस जबान से नेकी का हुक्म नहीं करते, तो क्या ये अंधा क्यामत के दिन नहीं खड़ा होगा हमारे सामने, ये नाबीना और अंधा गूंगा नहीं खड़ा होगा, अल्लाह मुझे तो तूने गोयाई भी नहीं दी है, सुनवाई भी नहीं दी है, बिनाई भी नहीं दी है, फिर भी मैंने नेकी की बात लोगों तक पहुंचाई है, अल्लाह जिनको तूने कान भी दिए सही और जिनकी आंखें भी सही दी, जिनकी जबान भी तूने अता की है, शानदार बोलने वाली जबान दी है, इन्होंने क्या काम किया तेरे दिन का। इसलिए भाई समझने की जरूरत है। आगे आएगा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं उनमें सब में बुलंद तरीन सिफत क्या है, लफ्ज़ रहमान, वो अल्लाह ने जिक्र फरमाई। खलकल इंसान, मखलूकात में सबसे बुलंद तरीन मखलूक जिक्र फरमाई कौन, इंसान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, किताबों में सबसे बुलंद तरीन किताब कुरान, उसका जिक्र फरमाया। इधर देखो, रहमान अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान को बनाया, सारी मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक कौन सी, इंसान।
फिर क्या कहा, अल्लमहुल बयान, इंसान को बेशुमार सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों में किस सलाहियत को जिक्र फरमाया, अल्लमहुल बयान, गोयाई इसको सिखाई, बोलना सिखाया। ये बोलना सिखाने की सिफत और ये खूबी इसलिए जिक्र की कि तुम्हें कुरान इसलिए दिया ताकि इस कुरान को तुम पढ़ो, बोल कर इसको आगे समझाओ दूसरों को। मेरे अजीज, कितनी जबान मेरी चलती है कुरान समझाने के लिए, हर कोई सोचे ना, मैं क्या करता हूं दीन को समझाने के लिए, मैंने कितना अपना वक्त दिया है, कितनी अपनी सलाहियत को लगाया है। अल्लाहु अकबर। तो ये है बात, वफी अनफुसिकुम, तुम्हारी जान में कितनी अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। एक आलम अकबर, आलम असगर, सारी कायनात आलम अकबर है, इंसान का जिस्म आलम असगर है। आलम अकबर में अल्लाह पाक ने चांद सूरज बनाए रोशनी के लिए, आलम असगर में जिस्म में अल्लाह ने बनाई दो आंखें रोशनी के लिए। आलम अकबर कायनात में अल्लाह पाक ने पहाड़ बनाए, चटियल मैदान बनाए। आलम असगर इंसान के जिस्म में हड्डियां पहाड़ों की तरह है और हथेली चटियल है, इस पर कोई सब्जा नहीं है। जंगलात हैं आलम अकबर में, आलम असगर इंसान के जिस्म में जंगलात हैं, सर के बाल जंगलात की तरह है। आलम अकबर जंगलात को आजाद छोड़ दिया जाए, दरिंदे पैदा हो जाते हैं। आलम असगर सर को आजाद छोड़ देंगे, सफाई नहीं करेंगे, जुएं पैदा हो जाएंगी। जो उधर है वो इधर इंसान के जिस्म में है, ये इंसान पूरी कायनात है। ये आलम अकबर कायनात में पानी है, मीठा पानी है, खारा पानी है, कड़वा पानी है। इस आलम असगर इंसान के जिस्म में मीठा लुआब मीठा है, आंखों से निकलने वाला पानी खारा है, पित्ते का पानी कड़वा है। ये अल्लाह का निजाम है। ये इसलिए कहा ना कि जो कायनात ने बनाया वो तुम्हारे जिस्म में है। आलम अकबर कुछ जगह जियारत करने के लिए सवाब होता है ना, मक्का मुकर्रमा को देखो, बैतुल्लाह को देखो जनाब, मदीना मुनव्वरा में चले जाओ, इंसान का चेहरा है, माँ का चेहरा देखो सवाब, बाप का चेहरा देखो सवाब, है कि नहीं है। आलम अकबर कायनात में कुछ चीजें देखोगे गुनाह होगा, मासीयत है। आलम असगर में भी अजनबी चेहरा देखोगे, गैर महरम का चेहरा, गुनाह है। आलम अकबर में अल्लाह ने बारिशें बरसाई और जमीन के अंदर नालियां चलती हैं पानी की, अंदर तह में नालियां, यहां बोरिंग करे निकला पानी, उधर बोरिंग की नहीं निकला, ये अंदर नालियां है ना। इसी तरह से इंसान के जिस्म में रगे हैं नालियों की तरह, पूरे जिस्म में खून फैला हुआ है कि नहीं। यह निजाम अल्लाह का, गौर करो इस पर। इसलिए कहा वफी अनफुसिकुम, बारहा इस आयत को तुमने पढ़ा होगा, कभी सोचा है कि कुरान मुझे ये क्या कह रहा है कि फी अनफुसिकुम, अपनी जात में गौर कर अल्लाह की कुदरत की कितनी निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, तुम देखते नहीं हो। वफी समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अरे तुम्हारा रिज्क तो आसमानों में है, तुम जमीन में ढूंढता है। तुम्हारा रिज्क तो आसमानों में है, अल्लाह के पास है, अल्लाह से मांग। वमा तो आदून, और जिस चीज का तुमसे वादा किया गया है वो सब आसमानों में है, अल्लाह से रुजू कर ना। दुनिया में रिज्क तो एक सबब है भाई, आपकी मुलाजमत मजदूरी दुकान सबब है, सबब है, सबब को सबब के दर्जे में रखा जाता है मेरे अजीज, सबब सबब होता है। फवा रब समा इवल अर्द, अगली बात, फिर कसम खाई है तेरे आसमानों के रब की कसम और जमीनों के रब की कसम, इन नहूल हक्कन, मैदान महशर का फैसला बर हक है, मिसलमा अन्नकुम तंतिकून, ऐसे बर हक है जिस तरह से तुम आपस में बातचीत करते हो, एक दूसरे को नजर आते हो, समझे, मुझे आप नजर आ रहे हैं, मैं आपको नजर आ रहा हूं, आप मुझे नजर आ रहे हैं, कोई शुबहा नहीं हो सकता। जिस तरह से ये है इसी तरह से मैदान महशर पर हक है, ऐसे ही एक दूसरे को देखोगे जैसे मैं और आप अभी आप एक दूसरे को देख रहे हैं। ये आयत नाजिल हुई, एक बद्दू आया तलवार निकाल के, है अल्लाह के रसूल, कौन नहीं मानता, कौन कियामत को नहीं मानता, मैं उसका सर कलम कर दूंगा, सर उड़ा दूंगा। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अल्लाह ने कसम जो खाई है, अल्लाह ने कसम खाई है कि आसमानों जमीनों के रब की कसम के क़यामत बर हक है, तो कोई नहीं मानता, जब ही तो अल्लाह ने कसम खाई है ना, मुझे बताइए कौन नहीं मानता। नहीं समझे, अल्लाह से क्या प्यार था उस शख्स को, मुझे बताइए अल्लाह को कसम खाने की क्यों जरूरत पड़ी, कौन नहीं मानता। अल्लाहु अकबर। हल अता का हदीस गैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, अब ये बात आई
قیامت کی ختم ہوئی، اب دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو رب قیامت قائم کرے گا اس نے دنیا میں بھی عذاب کے نمونے بھیجے ہیں۔ اب ایک واقعہ آیا، پہلا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کا آنا، اور یہ تمہید ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی تمہید ہے، مقدمہ ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر آپ نے سنی؟ المکرمین، معزز مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یہ فرشتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کوئی انسان ہے، اور انہوں نے کھانے کا انتظام کر دیا، اور جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے گا اسحاق، اور اس بیٹے اسحاق کے بعد اللہ اس کا آپ کا پوتا بھی دے گا آپ کی زندگی میں، یعقوب بھی، نہیں سمجھے؟ تو بیوی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ نے جناب تعجب سے ماتھے پر ہاتھ مارا، اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، بڑھاپے تک اللہ سے مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قالو، ان مہمانوں نے کہا، سلامہ، ابراہیم سلام ہو، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا، وعلیکم السلام، قوم منکرون، تم کون ہو؟ کوئی اجنبی لوگ لگتے ہو، اجنبی تھے نا، جان پہچان تو نہیں تھی، انسانی شکل میں تھے فرشتے، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، فراغ الی اہلی، فراغ الی اہلی کا معنی چپکے سے آہستہ سے کھسک کر نکل گئے، اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے، اور فجاء بعجل سمین، اور لے کر آئے ایک بچھڑا موٹا فربہ، لے کر آئے، ایسے نہیں لے کر آئے، پکا کر تل کر لے کے آئے، بھائی سوچتے ہو فارمی مرغی بڑی مشکل سے ہم مہمان کے لیے ذبح کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا ذبح کیا ہے، کوئی مہمان، کوئی 100 50 150 250 400 600 لوگ نہیں تھے، تین فرشتے تھے، تین فرشتے، یہ ہے مہمان کا اکرام۔ تو کیا فجاء بعجل سمین، عجل، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، گائے کا بچہ، بچھڑا جاندار، سمین موٹا، ذبح کیا اور اس کو پکایا اور پکا کر لے آئے۔ اب وہ قرآن مقصودی بات کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے ذبح کرنے میں، کھال اتارنے میں جو ٹائم لگا، وقت لگا، اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، یہ نہیں پوچھا بھائی کھانا کھاؤ گے، کھانا کھا کے آئے ہو؟ نہیں، کھانے کا وقت ہے بھائی، کھانا پیش کرو میرے عزیزو، کیا پوچھنا ہے، کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، پیش کر دو، پیش کر دو، کھانا نہیں کھایا تو واپس اٹھا کے لے جائیں گے، پیش کر دو، ہم پوچھیں گے کھانا کھاؤ گے تو کون ہوگا جو کہے گا ہاں کھاؤں گا؟ وہ تو شرم کے مارے یہی کہے گا نا، نہیں 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 حضرت، نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ اکبر، ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو، بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو۔ تو یہ تو آدمی شرما حضوری میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا، اندر سے سخت بھوک ہوتی ہے، تو آداب بتائے کہ بھائی تم کھانا پیش کرو نا، تم اگلے سے کہو گے کھاؤ گے تو نہیں، تو وہ کہاں کھائے گا، کیا کہے گا، آخر اس کی بھی غیرت ہے، وہ تو یہی کہے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ، مہمان، مہمان عزت ہے، عزت ہے مہمان گھر میں آنا۔ پہلے زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں مہمان نواز، ہاں، امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جناب، امام اسماعی کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک آدمی کو میں نے سلام کیا، بیابان جنگل میں کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، سلام کیا، اس نے کہا لا ارد علیک السلام، سلام کا جواب نہیں دوں گا جب تک تو میرا حق نہیں ادا کرے گا۔ ابے میں نے کہا کیا حق ہے تیرا بھائی؟ کہا میری ایک دن کی مہمان نوازی قبول کرو تب میں سلام کا جواب دوں گا۔ ایسے لوگ تھے،
अच्छा भाई उसको ले आए, ठीक है भाई। कहने लगे मुझे तो लगी थी भूख, शुक्र है कोई मिल गया खाने को, सफ़र था। तो कहने लगे जैसे ही झोंपड़े के पास पहुंचा तो उसने आवाज़ जो है दी अपनी बहन को, या उख्ता या अबशरी अबशरी जा ज़ैफ, ए बहन खुशखबरी हो, मेहमान आया है, मेहमान आया है। फिर जनाब इसने फिर इमाम इस्माइल फरमाते हैं मैंने फिर सलाम किया, सलाम अलैकुम या अहल अल बैत, घर वालों सलाम हो। पर्दा था बीच में झोंपड़े के अंदर, तो अंदर से आवाज़ आई, ला अरुद्दु का सलाम हत्ता तो यानी हकी, मैं भी सलाम का जवाब नहीं दूंगी जब तक तू मेरा हक नहीं अदा करेगा। अच्छा भाई कौन सा हक है? मेहमान नवाजी, खा के जाओ हमारे पास। खाना बनाया, पुर तकल्लुफ खाना उन्होंने खिलाया मुझे, और जब मैं खा चुका फिर उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। ऐसे लोग थे, ये अरब में मेहमान नवाजी थी, समझे भाई। हातम ताई कहते हैं उनसे किसी ने पूछा अपने से ज्यादा किसी को सखी देखा है? हाँ देखा है। कैसा देखा है? एक मरतबा हम सफर में थे, रात थी और एक खौफनाक रात, बारिश तेज हो गई और एक झोंपड़ा में नजर आया, हमने कहा चलो यहीं हम ठहरते हैं। उस आदमी ने हमारे लिए बकरी ज़िबा की। क्या ज़िबा की? बकरी। बकरी ज़िबा की तो जल्दी जल्दी, बाकी बकरी तो पक रही है, जल्दी जल्दी उसका मगज़ निकाल के हमारे लिए ले आया, हमारे लिए ले आया। तो जनाब वो हमने कहा वाह क्या खूब मगज़ पकाया है तूने, बड़ा अच्छा। तो हमें मगज़ उसका अच्छा लगा, उसने मगज़ खिलाने के लिए 40 बकरियां ज़िबा कर दी। कि मेहमानों को मगज़ अच्छा लगता है, 40 बकरियां उसने ज़िबा कर दी। सोचो तो सही। तो ये अरब की ये सिफत थी मेहमान नवाजी की, और फिर अल्लाह देता भी है भाई। मेहमानों की खातिर तवाज़ो करो फिर अल्लाह देता भी है, अल्लाह खिलाता भी है। और नहीं करोगे तो अल्लाह पाक ऐसे असबाब ले आएगा कहीं ज़बरदस्ती किसी को खिलाना पड़ेगा। इसलिए दुआ की है ना अल्लाह के नबी ने खाने के बाद, अक्ल तआमकुमुल अबरार, अल्लाह करे नेक लोग आपके घर में खाना खाएं। ये दुआ किसको याद है आज? जिसके घर में आप दावत खाएं ना निकलते वक्त आप ये दुआ दें, अकल तआमकुमुल अबरार, अल्लाह करे नेक लोग आपके घर में खाना खाएं। व अफ्तर इंदकुमुस साइमून, और रोज़ेदार आपके यहाँ रोज़ा अफ्तार करें। व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते रहमतें लेके उतरते रहे। ये है, और अगर ये नेक नहीं खाएंगे तो फिर वो रात को डाका हो जाएगा, लेके चले जाएंगे सारा बदमाश ले जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब की भाई। فقربه اليه ابراهيم السلام ने करीब किया, قال الا تاكلون, अरे खाते नहीं हो? तो वो खा नहीं रहे थे, फरिश्ते थे, वो क्या खाएंगे? फरिश्तों ने तो खाना नहीं खाना। فاوجس منهم خيفه, इब्राहिम السلام के दिल में खौफ महसूस हुआ कि ये खाना क्यों नहीं खा रहे। उस जमाने में अगर कोई दुश्मन आता था ना तो वो दुश्मन अपने दुश्मन के घर से कुछ भी नहीं खाता था, इसलिए कि मारने आया है ना, मारने आया है, तो मारने आया तो खाना खाकर फिर मारे, बेगैरती की बात है। आजकल लूट भी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, घर भी लूटते हैं, खाना भी खा लेते हैं सारा। अल्लाह अकबर। कालू ला तखफ, तो फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं गम नहीं करना। वबशरूहु बिगुलामिन अलीम, और उन्होंने खुशखबरी दी एक समझदार लड़के की, मुराद इसहाक अलैहिस्सलाम। फअक़बलत इमरातुहु, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सामने आ गई। फी सर्रतिन फसक्कत वजहा, और बोलती हुई आई, और फसक्कत वजहा, और अपने पेशानी पर जोर से हाथ मारा। वकालत, कहने लगी अजूज़ुन अक़ीम, बुढ़िया और बच्चा जने, इस उम्र में बच्चा जनूंगी कैसे हो सकता है? कालू कदालिक, फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी और बीवी की उम्र 99 साल थी। 99 साल जो अल्लाह जवानियों में देता है वो इस जमाने में भी दे सकता है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो कहा कालू कदालिक, इसी तरह से अल्लाह देगा आपको। कालक रब्बुक, तेरे रब ने कहा इन्नहु हुवल हकीम, अल्लाह हिकमतों का मालिक है। आज तक उस अल्लाह ने तुम्हें बच्चा नहीं दिया, अब देगा। क्यों नहीं दिया ये अल्लाह जवानी में क्यों नहीं दिया? अरे उसकी हिकमत का तकाजा है, दुनिया को समझाना और बतलाना मकसूद है कि अल्लाह पाक कादिर मुतलक है, बुढ़ापे में भी दे सकता है। अल्लाह पाक बगैर बाप के भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, बगैर माँ और बाप के भी अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है कि नहीं? अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। قال فما خطبكم, खैर सवाल जवाब हो गया फरिश्तों को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ में आ गई कि अच्छा भाई खाना तो नहीं खाना, ये तो नहीं कहा कि तुमने मेरा बछड़ा ज़ाया कर दिया भाई, अबे पहले बता देना फरिश्ते पहले बता देना तुमने मेरा बछड़ा ज़ाया कर दिया, कोई और खा लेगा। चलो
कोई गम की बात नहीं है, कोई गम की बात नहीं है। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, इब्राहिम सलाम ने पूछा कि क्यों आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है ए रसूलो, खुशखबरी देने के लिए आए थे तो एक काफ़ी था, ये तुम ज़्यादा आए हो क्यों। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौम मुजरमीन, कहने लगे हम मुजरमों की तरफ भेजे गए हैं। कौन से मुजरम हैं? लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम भतीजे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम में थे और ये शाम से आगे सदूम और आमूरा की बस्तियाँ थी, वहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, उसकी तरफ ये मबऊस हुए थे। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के जराइम थे, बदतरीन जराइम थे इनके, वो है जिन्स परस्ती। जिन्स परस्ती का जुर्म बदतरीन जुर्म था कि मर्द मर्द से फ़ायदा हासिल करता था, जिन्सी तस्कीन हासिल करता था। इसके अलावा रास्ते में डाके डालना इनका काम था, इसके अलावा लोगों को खौफ व हरास फैलाना इनका काम था, सीटियां बजाना इनका काम था, कबूतरबाजी, कबूतरों को लड़ाना इनका काम था, ये बदतरीन पेशा था, मशगला इनका था। तो बहुत समझाया लूत अलैहिस्सलाम ने, अरे जालिमो बेटियां हैं ना, मेरी बेटियां हैं, कौम की बेटियां मेरी बेटियां हैं, इनसे निकाह करो और निकाह के ज़रिए से अपने आप को हलाल समझो। और ये जब मेहमानों को देखा, लूत अलैहिस्सलाम के घर में मेहमान आए हुए, बीवी ने तो जाके बता दिया पूरी कौम को, बीवी काफिरा थी, बीवी ने बता दिया कि हमारे घर में बड़े खूबसूरत दो लड़के आए हुए हैं, मेहमान आए हैं। तो कौम को तो ये चाहिए था, दौड़ते हुए आए, दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा, अल्लाह के बंदो, अभी लूत अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता था कि ये इंसान है या फरिश्ते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने भी कहा, अल्लाह के बंदो मुझे मेहमानों के सामने क्यों रुसवा करते हो तुम, ये लोग क्या कहेंगे, कहा क्यों बुलाया इनको अपने घर में, तुम्हें पता नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, जब परेशानी देखी लूत अलैहिस्सलाम की उन फरिश्तों ने, तो फरिश्ते बोल पड़े, ए लूत आप परेशान ना हो, इन्ना उरसिलना, हम अल्लाह की तरफ से भेजे, इन्ना रुसुलु रब्बिक, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, लन यसिरु इलैका, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यूं एक हाथ किया फरिश्ते ने, अंधे हो गए सारे, सारे अंधे हो गए। एलूत आप खुद लोग अपने आप को और ईमान वालों को यहां से लेके निकलिए, आपकी बीवी नहीं जाएगी, उसको पीछे ही छोड़ेंगे आप, बीवी नहीं जाएगी, पता चला पैगंबर की पैगंबरी भी बीवी को नहीं बचा सकी, नहीं जाएगी ये पीछे ही रहेगी। जब लूत अलैहिस्सलाम उस बस्ती से निकल गए, फरिश्ते ने उस बस्ती को जमीन से उठाया, आसमान तक ले गया, आसमान के फरिश्तों ने उनकी चीखों पुकार को सुना और फिर उलट कर बस्ती को नीचे मार दिया और जमीन के अंदर धंस गई। आज भी बहरे मैयत के नाम से वो जगह मौजूद है, मुर्दार बहर समंदर, जिसमें कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। तो ये अल्लाह की इबरतें हैं, ये कि जो अल्लाह ने नाफरमान कौमों पर ये अजाब नाजिल किए, ये बेहयाई और फहाशी और उरियानी आज हमारे माहौल और माशरे में है, तो क्या लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब नहीं बरस सकता। आज इस किस्म की बेहयाइयाँ अगर जवानों में आ जाएं, इस किस्म की बेहयाई अगर बच्चियों में आ जाए, जवान लड़कियों में आ जाए, और जनाब उसको उसको माशरे का हिस्सा समझें, और जनाब उसको हम जिद्दत का ज़माना दें और ज़माने के तत्वर का ज़माना दें कि इस वक्त ज़माने की ज़रूरत है, ज़माने के साथ चलना है, क्या ज़माना बेहयाई सिखा रहा है, उसको साथ हम चलेंगे। औरत को हुक्म है छुपने का, औरत को हुक्म है बापर्दा होने का, जवान को हुक्म है नज़र नीची करने का। जिस घर में सूरत नूर को सिखाया गया हो, सूरत नूर की तिलावत पढ़ी जाए, उस घर में बेहयाई कभी भी नहीं दाखिल होगी, जवान भी बहाया होगा, अल्लाह की कसम वो जवान बाहर निकलेगा, वो मौलवी नहीं होगा, वो हाफिज नहीं होगा, वो कारी नहीं होगा, वो आम आदमी होगा, लेकिन अजनबी औरत को देख कर निगाह नीची कर लेगा, गैर महरम को देखकर निगाह नीची कर लेगा, वो ये समझेगा कि मेरी भी बहन हो सकती है, अगर मैंने अपनी नजर किसी पर गलत दौड़ाई तो मेरे घर में मेरी बहन भी है। ये बदला दुनिया में खत्म होता है, अगर मैंने किसी पर बुरी नजर दौड़ाई तो मेरी बहन पर भी कोई बुरी नजर से देखेगा उसको भी। लेनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, इसलिए हम आए हैं ताकि पत्थर बरसाएं, इस पर क्या ऊपर ले जाके जमीन पर पटख दिया गया और फिर पत्थर बरसाए गए, पत्थर मुसव्वमतन इंद रब्बिक, और वो पत्थर तेरे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे, हर एक का नाम लिखा हुआ था, ये फलां पर पड़ेगा। लिल मुसरिफीन, हद से तजावज, हद इंसानियत से गुजरने वाले, इंसानियत के हद से गुजर गए थे,
ऐसा तो जानवर भी नहीं करता। फाखरजना मन का नफी हा मिनल मोमिनीन, ईमान वालों को हमने निकाला। फमा वजद नाफी हा गैर बैत मिनल मुस्लिमीन, उसमें सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम का घर था और उनकी बच्चियां थी जो छोटी, वो साहिब ईमान थी, बाकी कोई दो चार और लोग थे, बाकी सब कुफर पर थे, सब गर्क हुए। व तरक नाफी हा आयतन, और इस वाक़े को हमने निशानी बनाया है, लिल्लदीन, उन लोगों के लिए, यखाफून, जो डरे, अजाब अल अलीम, अल्लाह के दर्दनाक अजाब से। ऐसे मनाजिर पढ़कर, सुनकर, देखकर डरना चाहिए। वफी मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में तुम्हें नहीं मालूम, इज अरसलनाहु इला फिरौना, जब मूसा अलैहिस्सलाम को हमने भेजा फिरौन की तरफ, बिसुल्तान मुबीन, बड़े वाज़ेह मौजज़ात देकर, फतवल्ला बिरुक्निही, तो फिरौन ने एराज किया अपने तमाम के तमाम अराकीन सल्तनत को लेकर, वज़रा को लेकर, सब ने एराज किया। वकालू, वकाला, कहने लगा, सिहरन, ये मूसा जादू कर रहा है या पागल है। फअखज़नाहू, अल्लाह कह रहा है, हमने उस फिरौन को पकड़ा और उसके लश्कर को पकड़ा। फनवज़नाहुम फिल यम में, उनको डुबो दिया हमने समंदर में। वहुवा मुलीमुन, बाद में अफसोस तो करता रहा लेकिन अब अफसोस का कोई फायदा नहीं, अजाब आने के बाद अफसोस का कोई फायदा नहीं। वफी आदिन, और कौम आद का जमाना भी देखो, इद अरसलना अलैहिम अर्रीहल अकीम, उस कौम आद पर, ये कौम आद थी बड़ी ताकतवर, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, नूह अलैहिस्सलाम के बाद नबी इनके हूद अलैहिस्सलाम थे, नबी हूद समझाते थे, न करो अल्लाह का अजाब आएगा, देखा नहीं है तुमसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया? क्या अजाब आया भाई नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर? पता तो था, डुबोए गए, गर्क हुए और जमीन से पानी निकला, इन्होंने पहाड़ों में घर बना लिए। भाई हमें कौन, यहां पहाड़ों में कहां से पानी आएगा, यहां कैसे आएगा, समझे भाई? इन्होंने, अल्लाह ने हवा मुसल्लत कर दी, हवा ऐसी, सखरहा अलैहिम सबअ लैयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन, सखर अलैहिम, सात दिन आठ रातें हवा मुसल्लत हुई, उस हवा ने इनको घरों से निकाला, फिजा में बुलंद हुए, इनके सर टकराए, भेजे निकले, इस जोर से अल्लाह ने टकराया इनके सरों को, भेजे निकले, जमीन पर पड़े। और फिर उसके बाद फरमाया, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, खजूरों के लंबे लंबे तनों की तरह, दुनिया की सबसे लंबी कौम थी, लंबे कद थे, बड़ी जसामत के मालिक थे, कहा देखो ना कोई बाकी बचा उनमें, कहाँ गए? कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर कौम है? तो ये फरमाया कि उनके ऊपर हमने हवा को मुसल्लत किया। मा तज़रु मिन शैइन, किसी चीज को उस हवा ने नहीं छोड़ा। अतत अलैही, उस हवा पर, उस हर शय पर वो हवा आई, इल्ला जअलतहु कर्रमीम, और हर शय को उसने चूरा चूरा कर दिया, आदमियों को चूरा चूरा कर दिया, मकानात को उसने चूरा चूरा कर दिया, तेज और तुंद हवा आई। वफी समूद, और कौम समूद का तज़किरा भी सुनो, इज़ क़ील लहुम, जब उनसे कहा गया, तमत्तउ, अजीब अंदाज है कुरान का, यहां एक एक लफ्ज के अंदर पूरा पूरा वाकया सुना दिया, एक एक लफ्ज, और ये सूरह हूद के अंदर ये वाकयात तफसील से है, दो दो रुकुओं के अंदर है, एक एक रुकू के अंदर वहां तफसील से ये वाकयात है, लेकिन यहां सिर्फ इशारे दिए जा रहे हैं कि देखो ना ये कौमें कैसे गर्क हुई हैं। और कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम इनके नबी थे, जब इनसे कहा गया मजे उड़ा लो दो चार दिन, फातौ अन अम्र रब्बिहिम, इन्होंने अपने रब की नाफरमानी की, फाखदतहुम सायका, इन्होंने पहाड़ों में इस तरह से घर बना लिए थे, इनको पता चल गया कि कौम हमसे पहले कौम आद तबाह हुई हवा से, उनसे पहले तबाह हुई कौम नू हा पानी से, हाँ ऐसे हवाओं पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाए कि ना तो यहाँ आंधी आ सकती है, ना यहाँ पानी आ सकता है, ठीक है जी, ना यहाँ आंधी आए ना यहाँ पानी आए, अल्लाह अजाब देने में ना पानी का मोहताज ना आंधी का मोहताज। अब अल्लाह ने एक नया अजाब यहां भेजा, फाखरत हो साइका, एक फरिश्ते ने आकर जोरदार चीख लगाई, उसकी हैबत से, खौफ से कलेजे फट गए, सके हवा तो नहीं आई ना, ये तो आ सकता है, अल्लाह अकबर। वहम यंजरून, देखते ही देखते रह गए, देखते ही देखते रह गए, देखते ही देखते रह गए। फमस्तफाउ मिन क़ियामिन, उठने की भी ताकत नहीं थी। वमा कानू मुंतसिरीन, और आज उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। वक़ौम नूहिम मिन क़ब्ल, और नूह की कौम का भी वाक़िया याद करो, इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन, बेशक ये बड़े नाफरमान लोग थे। इनके भी तबाही के जिक्र, ये पाँच कौमों की तबाही को बयान करके ये समझाया, जो रब इस दुनिया में कौमों को तबाह कर सकता है, वो नाफरमानों को अब भी हलाक और तबाह कर सकता है।
लिहाजा तुम अगर अपने नबी की दुआ से बचे हुए हो तो तुम नाफरमानी न करो। वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिउन, और आसमान को हमने बनाया है, व इन्ना लमूसिउन, और हम वसअत देने वाले हैं, वल अर्द फरशनाहा, और ज़मीन को हमने फैलाया है, फनेअमल माहिदून, और क्या ही खूब हम फैलाने वाले हैं, व मिन कुल्लि शयइन खलकना ज़ौजैनी, और हर शय में हमने जोड़ा जोड़ा बनाया है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम समझो तो सही, हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा बनाया है ताकि तुम समझो कि जनाब दुनिया हर शय में जोड़ा, ये दुनिया फिर आखरत आएगी, ये भी जोड़ा है, दुनिया आखरत ये जोड़ा है, समझो तुम। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ पड़ो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ, और कोई रास्ता नहीं है निजात का, इन्नी लकुम मिन्हु नदीरुम मुबीन, मैं अल्लाह की तरफ से खुला डराने वाला हूँ, वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, इन्नी लकुम नदीरुम मुबीन, मैं भी अल्लाह की जानिब से खुला डराने वाला हूँ, कदालिका मा अतल्लदीन मिन क़ब्लिहिम मिर रसूल, ए नबी जिस तरह से आपका यह मजाक उड़ाते हैं, इस तरह से आपसे पहले भी जो लोग आए हैं वो रसूल को कहते थे साहिर, जादूगर कहते थे, मजनून कहते थे, अतवासव भी, ऐसा लगता है पिछलों ने बाद वालों को वसीयत की हुई है कि नबी आए तो यूं मुखालफत करना, यूं करना, यूं करना, बल हम कौमन तागून, ये सरकश लोग हैं, फतवल्ला अनहुम, ए नबी आप इनसे एराज कर लीजिए, फमा अंत बिमलूम, आप पर कोई मलामत नहीं है, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, आपका काम क्या करना है, पहुंचा। अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात बड़ी अहम है, ये मेरे और आपके लिए, वज़क्किर, ए नबी आप नसीहत करते रहिए, फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है, जब ईमान वाला नसीहत की बात में बैठता है ना, अमल की नीयत से बैठता है तो उसको फ़ायदा देती है। आज की इस सूरत ज़ारियात की नसीहतों में भी कितना आपको फ़ायदा हुआ होगा, है कि नहीं, लेकिन अंदर जितना ईमान होगा इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, अंदर जितना लेने की सलाहियत आपका बर्तन है ना, जितना लेने का इतना आपको फायदा होगा, इसलिए ऐसी मजालिस में बैठा करो और खालिस होकर बैठा करो, अमल की नीयत से बैठा करो। तो इसलिए फरमाया, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और जिन और इंस को हमने पैदा किया है किसके लिए, सिर्फ अपनी इबादत के लिए, इसके सिवा कोई गर्ज नहीं है बेटा, कोई गर्ज नहीं है, सारी कायनात दुनिया के लिए, सारी कायनात तुम्हारे लिए बनाई है और तुझे अपने लिए बनाया है कि मेरी बंदगी कर, अल्लाह की बंदगी कर, अल्लाह की इबादत कर, गुनाह से बच, नाफरमानी से बच जा, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी पर आ जा। आगे देखो, आगे आगे जुमला सुनो तो सही, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन, मैं इनसे कोई रिज़्क़ तो नहीं चाहता, अल्लाह कह रहा है, मैं इनसे कोई रिज़्क़ तो नहीं चाहता, अल्लाह अकबर, कोई रिज़्क़ तो नहीं चाहता कि ये नमाज पढ़ें और ये मुझे ये कमा कर दें, नहीं नहीं नहीं, वमा उरीदु अन युत्फ़िउन, और न मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे खिलाया करे, मैं तो खाने से पाक हूँ भाई, मैं तो खाने से पाक हूँ, इस इबादत में मेरा फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारा फ़ायदा है, इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, तुम नहीं किसी को देते हो, मैं ना कमाऊं तो कैसे खिलाऊंगा, नहीं अल्लाह देता है, दुल कुव्वतिल मतीन, बड़ी ताकत वाला है, निहायत ही ताकत वाला है, फ़इन्ना लिल्लज़ीन ज़लमू, बेशक वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, ज़नूबम मिस्ल ज़नूबि असहाबिहिम, उनके भी गुनाह ऐसे ही हैं जैसे इन मुशरिकों के अज़ाब गुनाह हैं, फ़ला यस्तअजिलून, ए नबी ए इन लोगों से कह दीजिए ये अज़ाब पर जल्दी न करें, अज़ाब वक्त पर आएगा, फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू, फिर तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, मिन यौमिहिम अल्लज़ी, उस दिन जिस दिन का इनसे वादा किया गया, उस दिन जब आएगा वो दिन तो फिर तबाही आएगी, और वो दिन फिर बदर का आया दुनिया में, वो तबाही मची के सारी लीड क़यादत मारी गई इनकी, और फिर उसके बाद वो दिन आया सन 9 हिजरी को, 9 हिजरी को साफ साफ ऐलान कर दिया, फसीहु फिल अर्दी अरबात अशहर, अब पूरा जजीरा अरब हमने इस्लामी एक तहजीब और सकाफत इसे बनाना है, इस्लामी एक सेंटर बनाना है पूरे जजीरा अरब को, तो मक्का वालों को भी ऐलान कर दिया गया, 4 महीने तक तुम्हें मोहलत है, इस्लाम कबूल करते हो तो ठीक, नहीं तो मारे जाओगे, या मक्का छोड़ना पड़ेगा या फिर मारे जाओगे। तो मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह का कलाम है, इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो, वक्त दो तो बहुत कुछ समझ में आएगा, वक्त दो
बहुत कुछ समझ में आएगा। अल्लाह पाक आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह आपके घरों को आबाद फरमाए, अल्लाह तबारक ताला मालों में बरकत अता फरमाए, इज़्ज़तों में बरकत अता फरमाए। जवानों से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है, आपकी तालीम का ज़माना है, ये सीखने का ज़माना है, कुरान सीखो, पता चले अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मैं अल्लाह पाक की इताअत किस तरह से करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही व उम्मतिही अजमईन। اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اے اللہ ان بزرگوں کا جوانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ماؤں بہنوں بچیوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ سب کو قرآن کے نور سے مالا مال فرما اے اللہ سب کو قرآن مقدس کے نور سے مالا مال فرما اے اللہ یہ بھولا ہوا سبق ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما اس بھولے ہوئے سبق کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہماری مشکلات کو حل فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اے اللہ ان کے رشتے مقدر فرما اے اللہ جہاں رشتے ہو چکے ہیں آپس میں محبتیں عطا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ جوانوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ بچیوں کو اپنی ماں کا باپ کا فرما بردار بنا اے رحم الراحمین ہر فتنے سے ہر شر سے بے حیائی سے جوانوں کی حفاظت فرما اے اللہ میڈیا کے فتنوں سے انٹرنیٹ کے فتنوں سے جوان بچوں کی بچیوں کی تو حفاظت فرما اے اللہ ان کی نظروں میں پاک دامنی عفت عطا فرما اے اللہ ان کی نظروں میں پاک دامنی اور عفت عطا فرما ان کے کانوں میں بھی پاک دامنی عطا فرما ان کی زبانوں پر بھی پاک دامنی نصیب فرما ان کے دلوں کو بھی اے اللہ پاک و صاف فرما اے اللہ کفر سے نفاق سے شکوک شبہات سے ناجائز محبتوں سے ان کے دلوں کو پاک فرما اے اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے تو علیم بذات الصدور ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں کیا کچھ بھرا ہے تو جانتا ہے اے اللہ اپنے فضل سے اس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر کے اپنی محبت کو پیدا فرما اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی اعز اقربا کی جائز اور محرم رشتوں کی محبتوں کو عطا فرما ناجائز محبتیں ہمارے دل سے رخصت فرما دنیا کی محبتیں ہمارے دل سے رخصت فرما گناہ اور نافرمانیوں کے وسوسے اور خیالات ہمارے دلوں سے رخصت فرما اے رحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اس گھر کے اندر خیروں اور برکتوں کو نازل فرما جو انتظام و اہتمام کیا گیا ہے اسے قبول فرما اے اللہ پورے اہل خانہ کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو دین کا داعی بنا اے اللہ دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما آفات و بلیات سے پورے گھرانے کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم